देख लीजिए मित्रों, ये हाल है और ये एक्सपोज हो रही है मित्रों। देखिए इनको दिखाइए, इसमें मोबाइल में दिखाइए, ये मोबाइल में दिखाइए, ये किस तरीके से ये वीडियो कॉलिंग हमें करके, जूम कीजिए और जूम कीजिए, इनकी डीपी देख के लग जाएगा कि ये कलंकिनी है, आपसे नग्न होकर वीडियो चैट करते हैं, सामने वाली लड़की भी वीडियो चैट करती है, इसके बाद आपसे ब्लैकमेल आपको किया जाता है। यानी कि किस प्रकार से ये ऐसे लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। बाप हूं तुम्हारा मैं बाप, कई लड़के तो ऐसे केस में आके इज्जत के लिए सुसाइड भी कर लिए हैं। इन लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। था ये वही चोर गैंग है जो लड़कों को फंसा लेता है और इसके बाद उनको अपना नग्न शरीर दिखाकर और सामने वाले को अप्रोच करता है कि आप भी नग्न हो जाइए। और जब मित्रों इस वक्त फेसबुक पर एक गैंग बहुत एक्टिव है, सेक्स गैंग, मतलब सामने से एक लड़की आपको मैसेज करती है कि आइए मस्ती करते हैं और इसके बाद आपको व्हाट्सएप पे बुलाएगी और आपके साथ नग्न होकर जो है वीडियो चैट करेगी। सेम कहानी हमें, हमने बहुतों लोगों का केस सॉल्व किया और किसी ने हमको पढ़ाने के लिए हमें मैसेज किया है, अमिता शर्मा के नाम से ये फेसबुक आईडी, जूम करके दिखाइए, और उसमें लिखा गया पहले हाय, तो मैंने कहा हाय, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा हाल चाल लेने के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूं, क्योंकि मुझे पता था ये वही चोर गैंग है जो लड़कों को फंसा लेता है और इसके बाद उनको अपना नग्न शरीर दिखाकर और सामने वाले को अप्रोच करता है कि आप भी नग्न हो जाइए, और जब वीडियो बन जाता है तो पैसे मांगता है। आज मेरे साथ भी ऐसा इत्तेफाक होने की कोशिश की गई और शायद से मैं जो है पहले भली भांति जानता हूं इन लोगों को, इसलिए मैंने कहा चलिए इनसे मस्ती कर ही ली जाए और अपने दर्शकों को भी इनको एक्सपोज करके दिखा दिया जाए ताकि इनके सेक्स चैट और सेक्स वीडियो कॉलिंग के जरिए में कोई ना फंस सके। हमसे व्हाट्सएप नंबर मांगा गया, हमने वो भी दे दिया है। अब चलिए आपको खेल दिखाते हैं, हमारे पास वीडियो कॉल आया, ये सब हम जानबूझ कर रहे हैं, कारण कि आपको समझाना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें क्योंकि ये लोग आपसे नग्न होकर वीडियो चैट करते हैं, सामने वाली लड़की भी वीडियो चैट करती है, इसके बाद आपसे ब्लैकमेल आपको किया जाता है यानी पैसा मांगा जाता है, और जब आप पैसा ना देंगे तो आपका वीडियो सोशल मीडिया पर आपके सगे संबंधियों को वायरल कर दिए जाने की धमकी दी जाती है। हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं डेमो वीडियो बना रहा हूं कारण कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर मुझे वीडियो कॉल एक बार आ चुकी है लेकिन मैंने पिक नहीं किया है, मुझे सब कुछ पता है। अब मैं वीडियो कॉल जो है उठाता हूं, इनको करता हूं मैडम को। वैसे तो मेरा कैमरा जो है मैं दिखूंगा नहीं उनको, लेकिन ठीक है, देखता हूं क्या कहती हैं। जी ये लीजिए, मैं थोड़ा पॉपुलर हूं सोशल मीडिया पे इसलिए मुझे ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मैं अब इनका बाप हूं। रिंग जा रही मित्रों, कैमरा ऐसे को जूम करना है, ऐसे तुम बताना। मित्रों देखा जा सकता है यहां पर, ये देखिए किस तरीके से, इनको दिखाइए, इसमें मोबाइल में दिखाइए, ये मोबाइल में दिखाइए, ये किस तरीके से ये वीडियो कॉलिंग हमें करके, जूम कीजिए और जूम कीजिए, हमें वीडियो कॉलिंग करके, लेकिन हम अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं मित्रों, और मैंने कॉल को म्यूट कर दिया। देखिए किस प्रकार से ये ऐसे लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। अब देख सकते हैं ये पूरी तरीके से कैमरे में कैद हो रही तस्वीरें, हमारी आवाज इनके सामने नहीं जा रही, लेकिन ये अश्लीलता कर रही है, अश्लीलता की सारी हद पार कर रही है मित्रों, और यही कारण है कि मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूं। देखिए वीडियो कॉल जो है खत्म हो गई है, वीडियो कॉलिंग जो है वो खत्म हो गई है, एक सामने से लड़की अपने नग्न शरीर का प्रदर्शन कर रही है और शायद से मुझे इस जाल में फंसाया जा रहा था, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हुआ है ना, ये लड़कों के साथ आए दिन होता रहता है और हर लड़के इसमें फंस जाते हैं, उनसे पैसा मांगा जाता है, और इसके बाद फिर मुझे लिखा गया है ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। इनका मतलब था कि मैं भी इनसे वीडियो चैट करूं, इनको फेस टू फेस बात करूं, लेकिन मैंने अपना पंखा दिखाया इनको और कैमरे के सामने इनकी असलियत दिखाई। आप भी अपने कपड़े निकालो, मैं भी निकाल रही हूं, ऐसा देखिए मैसेज आया है, देखिए ना मैसेज पे स्क्रीन जूम कीजिए थोड़ा सा, ऐसा मैसेज पे कीजिए। अब मैं इनको लिखता हूं ओके, इन्होंने मुझे कपड़े निकालने के लिए बोला है, इनका मैं बाप हूं, इनको ये चीज नहीं पता कि इनका वीडियो बन रहा है और मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूं।
हैं? अरे किसी मूर्ख आदमी को मूर्ख बनाती, शायद से आप शिक्षित लोग के पास आ गई हैं, इसलिए इनको एक्सपोज कर रहा हूं मैं मित्रों। ठीक है, देख लिया आपने वीडियो में मासूम बच्चों और 18 साल के कम उम्र और 18 साल से ऊपर के लड़कों के साथ ऐसा अत्याचार सोशल मीडिया पर आए दिन होता रहता है। वो रोते हैं, कई लड़के सुसाइड कर लेते हैं, मेरा वीडियो बन चुका है। इन सब से सतर्क रहना है मित्रों। दिखाया, अभी देखिए एक और बार वीडियो कॉल आ रहा है, दिखाइए, ये देखिए वीडियो कॉल फिर आ रहा है, अब मैं उठाता हूं, जूम कीजिए। देखिए इनको शायद से खबर हो गई है, इसलिए इन्होंने कॉल काट दिया है। ठीक है, अब इनको खबर हो गई है। मैं अपना चेहरा जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा वीडियो बना के इसके बाद मेरे रिलेटिव को कहेंगे हम भेजेंगे पैसे दीजिए, मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं। फिर से मैं इनको कॉल करूंगा, इनका शकल देख लीजिए एक बार, थूकने जैसी शकल है इनकी। रहने दो, तुमको करनी नहीं है मस्ती, हैं? इनको मस्ती करने वाले लग रहे हैं। अरे तुम्हारा जो है, चलिए एक बार मैं लाइए कैमरा मुझे दीजिए, मैं दिखाता हूं इनको थोड़ा सा। चलिए मैंने अब इनको मैं बता ही देता हूं कि मैं कौन हूं। रिंग जा रही है, देख सकते हैं, नंबर देख लीजिए इनका, जो क्या हाल चाल है आपके। हेलो, ये देखिए, देख लीजिए मित्रों, ये हाल है और ये एक्सपोज हो रही है मित्रों। देखिए किस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें थी। इनको पता चल गया कि मैं वीडियो कॉल इनका रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं पत्रकार हूं, इसलिए इन्होंने वीडियो कॉल काट दिया। और अभी इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप सामने से नग्न हो जाइए, यानी इसका मतलब ये कि ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करती और मेरे रिलेटिव को, मेरे सगे संबंधियों को भेजती और मुझसे पैसे मांगती। इन मैडम को ये नहीं पता है कि मैं इनका बाप हूं और पत्रकार हूं। अब इनकी कंप्लेंट भी मैं कम करूंगा, मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ इनको कैमरे में दिखाया है। जैसा मैंने फोन में सामने करती हूं वैसा आप रखो फोन सामने, मतलब इनका कहने का मतलब ऐसे सामने फोन रखो। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा मित्रों, कोई टीआरपी के लिए नहीं बन रहा हूं। ऐसे लोगों से फेसबुक पे सावधान रहिए, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो जाएंगे और मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। हमारे कई जान पहचान के लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और मेरे साथ ये करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं हूं चतुर आदमी, पढ़ा लिखा हूं, शिक्षित हूं, मुझे अपने इनके नग्न शरीर देखने का चस्का नहीं है। ठीक है, शायद से चस्का होता तो मैं एकांत में जाके जो है वीडियो कॉल इनसे करके चैट करता और मैं शिकार बन जाता, लेकिन मैंने एक्सपोज किया, मुझे सब कुछ पता ये मेरे साथ होने वाला था। जिन्होंने जैसे इन्होंने सामने से कहा हाय, इनकी डीपी देख के लग जाएगा कि ये कलंकिनी है। ठीक है, अब फिर से एक बार चलिए कर ही देते हैं, मैं लिखता हूं ओके, इन्होंने कहा है, अब ऐसा है, चलिए मैं दिखा देता हूं। थोड़ा सा टॉवल रहने दीजिए, टॉवल का क्या जरूरत है। चलिए मैं अपने घर में बैठा था अचानक सा, चलिए मैं दिखाइए कैमरे में, दिखाइए इनको, कैसी हैं आप, सामने आइए भाई, जूम कीजिए और जूम कीजिए और जूम कीजिए कैमरे को, इनको एक्सपोज कर देना है मित्रों। यही है जो लड़कों को वीडियो चैट पे बुलाती हैं और नग्न शरीर लड़कों को दिखा के पैसा लूटने का काम करती। देखिए फिर फोन कट गया है, फोन कट गया। अब चैट इनको थोड़ा देखिए, ये सब चैट है, इन्होंने सामने से हाय, मैसेंजर पे बात हुई थी, ये देखिए सामने से इन्होंने अमिता शर्मा हाय, इसके बाद मैंने भी जान गया था मेरे को तो एक्सपोज करना था, इसलिए मैंने ये किया। अब देखिए इन्होंने मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगा, मैंने दे दिया इनको, और इसके बाद फिर व्हाट्सअप से यहां पर सीधे से मेरे सामने चैट आई है। देखिए ये देखिए, अब ये देखिए इसके, ये सारी डिलीट हो गई, चैट डिलीट हो गई है, देखिए चैट डिलीट कर दी गई है मित्रों। और इनको मैं लिख देता हूं कि मैं आपका बाप हूं। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग भेज देता हूं। मैडम जो आप कर रही थी ना, ये हमारे सामने 10 केस आता और मैं सॉल्व कर देता हूं। बाप हूं तुम्हारा मैं, बाप। ठीक है, ये वीडियो जो है पूरा विश्व और पूरा देश देखेगा, रिकॉर्ड करके भेज रहा हूं, सुन लीजिए। इनकी इनकी शक्ल दिखा दीजिए, इन्होंने संगीता जैन और फेसबुक पे अनीता, ये देखिए इनकी शक्ल और नंबर इनका ये है। देखिए ये इनको आप कॉलिंग करेंगे तो कॉल इनका नंबर नहीं लगेगा, आप इनको जो है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। देखिए और पुष्पा जैन ब्यूटी पार्लर असम, ट्रू कॉलर पे ये नंबर लिख के आ रहा है। अब चलिए मैं इनको कॉल करके देखता हूं लगेगा।
गैंग है मित्रों, गैंग। इनकमिंग कॉल देखिए, नॉट अवेलेबल ऑन दिस नंबर, इट विल बी रिज्यूम्ड। ऐसे केस हमारे मित्रों के साथ कई बार हो चुका था और शायद से उसमें फंसाने की मुझे कोशिश थी, लेकिन मैडम इनको नहीं पता था कि हम इनके बाप हैं। बाप क्या, इनके बाप के बाप हैं हम, हैं? देखिए इनको भेज दिया था। चलिए रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। मैडम जो आप कर रही थी ना, ये हमारे सामने 10 को केस आता और मैं सॉल्व कर देता हूँ। बाप हूँ तुम्हारा मैं, बाप, ठीक है? ये वीडियो जो है पूरा विश्व और पूरा देश देखेगा। देख लिया मित्रों, अब इनकी रिकॉर्डिंग देखिए अभी आएगी। ये कुछ लिख रही हैं, निकाल पहले फुर्सत में, ठीक है? कुछ लिख रही हैं, निकाल पहली फुर्सत में, ओके। फिर से इनको वीडियो कॉल कर ही देते हैं। चलिए एक बार फिर से, इनकी तमन्ना है हमसे बात करने का। इनको ये नहीं पता है कि हमको जो है कितने लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए फोन काट दिया गया है मित्रों, डिसलाइंड कर दिया गया है। अब इनको मैं लिंक भेजूंगा वीडियो को, तब इनका समझ में आएगा। ये हमसे ठीक है, हमारे साथ ऐसे ही रहेंगी। और मित्रों इस वीडियो में इतना ही मकसद था इसको दिखाने का कि ये जो है समाज के लिए वैश्यावृत्ति हैं, ये समाज को प्रभावित कर रही हैं, भारतीय संस्कृति को दुष्कृत कर रही हैं, हमारी सनातनी हिंदू संस्कृति को, हमारे विश्व को, जो भारत देश का नाम है उसको ये बर्बाद कर रही हैं। नए नए लड़कों को सोशल मीडिया पर अपनी जालसाजी का शिकार बनाती हैं और लूटती हैं, ये धंधे वाली हैं। और ये लूट कर और वीडियो चैट करके नग्न शरीर करवा के 5 मिनट के अंदर लड़कों का जीवन बर्बाद कर देती हैं। अगर जो लड़का पैसा नहीं देता है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देती है और डाल भी देती है। कई लड़के तो ऐसे केस में आके इज्जत के लिए सुसाइड भी कर लिए हैं। इन लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। सोशल मीडिया लाभदायक भी है तो हानिकारक भी है। समझ बूझ कर एक एक कदम उठाएं। हर कोई मित्र दोस्त यार नहीं होता है मित्रों। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। Oh my God.